दोस्तों नमस्कार, हम कर रहे हैं पीबी सेले की पोइम ओ टू वेस्ट विंड। दो पार्ट में उसके कवर कर चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट कैंटो को डिस्कस किया था, इसके अलावा पोइट के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में मैंने सेकंड कैंटो को डिस्कस किया है और आज हमारा ये जो पोइम का तीसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें मैंने इस पोइम के तीसरे कैंटो यानी तीसरे स्टेंजा को डिस्कस किया है। दोस्तों इस पोइम में पांच कैंटो है यानी पांच सेक्शन है, तीन को मैं इस वीडियो से ही तीन को डिस्कस कर चुका हूँ और अगले वीडियो में दोनों को चौथे नंबर और पाँचवें नंबर के जो सेक्शन है उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बहुत जल्दी वो वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। यदि आपने पहले वाले इसके दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो देखिए और शुरू से इस पोइम को पढ़िए ताकि आपके पूरी जो पोइम है वो कम्प्लीट समझ में आ जाए। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें आया हुआ था और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आप एक बार कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने की। उसमें मैंने पूछा है, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। हाउ मैनी इम्पॉसिबल टास्क डज डन एनुमरेट इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस ओपेज पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। दोस्तों मैंने एक पोइम पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तो उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाई थी वहाँ पे। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस पोइम को भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉन डन ने अपनी जो पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार उसमें कितने इम्पॉसिबल टास्क रखे थे, तो इसका आंसर है 7। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जॉन डन ने 7 इम्पॉसिबल टास्क रखे हैं कि यदि आप 7 ये इम्पॉसिबल काम कर सकते हो तो बताओ। गो यानी पहला उसमें काम था जिसके नाम पे ये पोइम रखी गई है, पहला ये भी इम्पॉसिबल टास्क है कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, ये भी पहली इम्पॉसिबल टास्क उसमें बताई गई है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। आपको करना क्या है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है और अगला वीडियो में लेके आऊँगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, हु और व्हाट इज ड्रिवन लाइक घोस्ट इन सेलेज ओ टू वेस्ट विंड। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी पोइम से, जो पोइम हम पढ़ रहे हैं इसके पहले पार्ट से आया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आर ड्रिवन, उनको धक्का ले जाया जाता है लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, उनको ऐसे भगा दिया जाता है या वो देख के ऐसे भाग जाते हैं जैसे किसी जादूगर को देख के, जो घोस्ट है यानी जो प्रेतात्मा है जो भूत है वो भाग जाते हैं, ऐसे वो चली जाती है। कौन इसमें पूछा गया है, भूत जादूगर को देख के भूत भाग जाते हैं, ऐसे कौन चली जाती है ओ टू वेस्ट विंड के पहले जो स्टेंजा है उसमें सेले ने किसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है द वेस्ट विंड, द डेड लीव्स, द विंग चीट्स, द क्लाउड्स। तो आपको आंसर करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं थर्ड कैंटो ऑफ दिस पोइम। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपन कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। दोस्तों दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, दाउ देखिए यहाँ पे संबोधन कर रहा है, यहाँ पे जो पोइट है वो वेस्ट विंड को संबोधित कर रहा है कि दाउ वो तुम ही हो, हु डिडस्ट वेकन जिसने जगा दिया है या जो जगाती हो, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स वो तुम ही हो जो उसके समर ड्रीम्स मतलब जो सपनों से जगाती हो, गर्मी की नींद के सपनों से जिसको जगाती हो। अब किसको जगाती है, द ब्लू मेडिटेरेनियन जो नीला भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है उसको जगाने वाली, उसको उसकी गर्मी की नींद से जगाने वाली तुम ही हो, ये पोइट वेस्ट विंड को कह रहा है। वेयर ही ले, जहाँ पर वह सो रहा है, लेल्ड बाय द कॉयल ऑफ इज क्रिस्टलिन स्ट्रीम्स,
जहाँ पर वो सो रहा है, लल्ड बाय द कोयल ऑफ, वो अपनी जो धाराएं हैं, स्ट्रीम्स है, उनकी जो कोयल बनती है, उन कोयल के सहारे, उस कोयल के सहारे आनंद पूर्वक वह जो सो रहा है, एकदम मतलब ऐसे रिलैक्स होके जो सो रहा है, सोता है, जो मेडिटेरेनियन सी, उसकी गर्मी की नींद से उसको जगाने वाली तुम ही हो, ये पोइट वेस्ट विंड को कह रहा है। आगे कहता पोइट, बिसाइड ए पमिस आइज बिसाइड ए पमिस आइल इन बेज बे, और कहाँ पे सो रहा है अभी बता रहा है, बेज बे, बेज जो खाड़ी है वहाँ पे पमिस आइल के मतलब आइलैंड, पमिस जो आइलैंड है उसके पास में मेडिटेरेनियन जो सी है वो अपनी जो धाराएं हैं उसकी कोयल के सहारे आराम से रिलैक्स होके सो रहा है, और उसको जगाने वाली तुम ही हो। और वो क्या करता है, सोते सोते एंड सा इन स्लीप, और वो सोते हुए नींद में देखता है, वह देख रहा था, देखता है ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, जो पुरानी जो पैलेसेस बोलते हैं, जो इमारतें होती हैं, पुरानी महल वगैरह होते हैं उनको, जो पुराने महल और जो इमारतें हैं उनको, क्वेवरिंग, क्वेवरिंग मतलब होता है ऐसे कांपते हुए, उनको कांपते हुए देखता है, विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, तुम्हारी जो दिन की जो इंटेंसर जो वेव्स है, जो लहरें हैं, उनसे पुराने जो पैलेसेस है और टावर्स है उनको कांपते हुए मेडिटेरेनियन सी जो है वो अपनी नींद में देखता है, और वो रिलैक्स होके अपनी समर ड्रीम्स में खोया हुआ रहता है, अपनी कोयल ऑफ स्ट्रीम्स के सहारे उसको जगाने वाली तुम हो, ये वेस्ट विंड को पोइट कह रहा है। और आगे बताता है पोइट, ऑल ओवर ग्रोन विद अजोर मॉस एंड फ्लोर, वे सारे चीज़ें उगी हुई है, अब कुछ काई वगैरह और फ्लोर्स के बारे में बात करता है जो समुद्र में उगती है, ऑल ओवर ग्रोन विद अजोर मॉस, जो नीली काई और फ्लोर्स उगे हुए हैं, सो स्वीट, वो इतने स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है पोइट की, वो इतनी स्वीट है, द सेंस फैन पिक्चर इन देम, इतनी ज़्यादा स्वीट या इतने ज़्यादा वो प्यारा सीन है कि उसकी पिक्चर यदि आँखों में बनती है तो वो सेंस जो होती है मतलब जो इंद्रियों को फेंट कर देती है। ऐसा मान सकते हो आप कि जो अजोर और मोस के बारे में जो पॉइंट बता रहा है वहाँ के बारे में, तो वो एक ऐसा नज़ारा है जिसको देखते आदमी मतलब मदहोश, मदहोश आप कह सकते हो कि मदहोश कर देने वाला नज़ारा वहाँ पर है। दाऊ फॉर हूज फात, और दाऊ वो तुम ही हो, फॉर हुज पाथ जिसके रास्ते के लिए, फॉर हुज पाथ दाऊ यानी तुम ही हो जिसके रास्ते के लिए, द एटलांटिक्स लेवल पावर्स, जो एटलांटिक की जो लेवल पावर है, लेवल मतलब सतह की जो पावर है, सतह की पावर से मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि जो लहरें हैं, सतह की पावर लहरें होती है, तो जो लहरें हैं, फॉर हुज पाथ वो तुम ही हो जिसके रास्ते के लिए अटलांटिक की जो लहरें हैं वो क्लेव देमसेल्व्स इनटू कैजम्स, वो क्लेव देमसेल्व, वो अपने आप को चीर लेती है इनटू कैजम्स, मतलब दर्रों में चीर लेती है, मतलब इस पूरी लाइन का आप ऐसे मतलब समझ सकते हो कि वो तुम ही हो जिसको रास्ता देने के लिए अटलांटिक महासागर का पानी है वो हटा लेता है, अपने आप को एक रास्ता बना देता है तुम्हारे लिए, अपने आप को एक दर्रा बना देता है तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए, वाइल फार बिलो, और फार बिलो और वहाँ पे जहाँ पे वो दर्रा बनता है उससे बहुत सारे नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, सी ब्लूम्स, जो नीचे जो सी ब्लूम्स मतलब जो पेड़ पौधे और फूल पत्तियाँ वगैरह है, द ऊजी वुड्स, और जो लकड़ियाँ वगैरह जो है मतलब जो वहाँ पे जो उगी हुई है, पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं, विच वियर द सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन, और उनके पास जो है, विच वियर, जो इनके पास जो है मतलब जो पेड़ पौधे पेड़ पत्तियाँ नीचे उगी हुई है, विच वियर जो है सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन, उनके अंदर कुछ ऐसी डालियाँ हैं जो सैपलेस फॉलेज मतलब जो आप ऐसे मान सकते हो कि मृत है, सैपलेस है, सैप बोलते हैं जीवन द्रव्य, जीव द्रव्य जो होता है उसको बोलते हैं सैप, और सैपलेस मतलब जिनमें जीव द्रव्य नहीं रहा, जो मर चुकी है, फॉलेज, फॉलेज बोलते हैं टहनी को, तो उनमें कुछ टहनियाँ ऐसी भी है जो सैपलेस है, जो मृत समान है ऑफ द ओशन, नो वो जानती है,
thy voice, तुम्हारी जो आवाज़ है उसको पहचानती है, and suddenly grow grey with fear, और वो भी तुम्हारी आवाज़ को सुन करके suddenly अचानक grow grey, वो काली पड़ जाती है with fear, वो डर से काली पड़ जाती है, and tremble and despoil themselves, और वो कांपने लग जाती है और despoil themselves, वो अपने आप को बर्बाद कर लेती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है. ओ हियर पोइट कहता है कि ए वेस्ट विंड, तुम सुनो मेरी बात, आगे सुनती रहो. ये जो नीचे समुंदर है उसके नीचे जो उजी वुड्स, सी ब्लूम्स, जो फूल पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं, विच वियर द सैपलेस फोलियज, और उनकी जो कुछ टहनियाँ ऐसी है जो सैपलेस है, जो मृत समान है, वो भी तुम्हारी जो आवाज़ है उसको उससे इतना भयभीत हो जाती है, उतनी ट्रेम्बल हो जाती है, इतनी ज़्यादा घबराने लग जाती है, इतनी ज़्यादा कांपने लग जाती है कि अपने आप को वो डिस्पॉइल कर लेती है, वो अपने आप को बर्बाद कर लेती है, और तुम्हारे डर से वो ग्रो ग्रे, मतलब ऐसे मानो काली हो जाती है, वो काली पड़ जाती है, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम सूखने लग जाती है, ऐसे पोइट ने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है. तो अब कुछ ये देख लेते हैं अपन, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज हुए हैं. दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच में यदि बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यूज हुआ है दाउ, वो तुम हो जिसके लिए, हु फॉर हु या जो हु. अब देखिए हु आता है आदमी के लिए आता है, मानव के लिए आता है हु, लेकिन यहाँ पे वेस्ट विंड के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है पोइट ने, ठीक है. उसके बाद में वेयर ही लेज, वेयर ही ले, जहाँ पे वह सोता है, कौन, किसकी बात हो रही है, मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है. और बिसाइड प्यूमिस आइज आइल बेज बे एंड सा स्लीप पैलेसेस टावर्स वेयरिंग विद, यहाँ पर हाइपरबोल भी यूज किया है, और ग्रो नजोर मास एंड फ्लोर सो स्वीट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सो स्वीट, वो इतने ज़्यादा स्वीट है कि सेंस को फेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पोइट ने एग्जेजरेशन या हाइपरबोल यूज़ किया है, कि इतने ज़्यादा वो दृश्य है, वो जो पिक्चर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आदमी को मदहोश कर दे. और हुज बाद एक यहाँ पर एग्जेजरेशन किया है कि जिसको रास्ता देने के लिए जो अटलांटिक महासागर है, वो अटलांटिक महासागर की जो लहरें हैं वो अपने आप को क्लेव कर लेती है, वो अपने आप को चीर के दर्रा बना देती है. यहाँ पर भी हाइपरबोल या एग्जेजरेशन आप कह सकते हो यूज़ किया है पोइट ने. फॉलेज ऑफ ओशन नो दाई वॉइस दे सडनली ग्रो ग्रे विद फियर एंड ट्रेम्बल डिस्पॉइल देम सेल्व्स ओ हियर. ओ हियर यहाँ पर फिर से हुआ ही है, पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है. तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ द पोइम ओड टू वेस्ट विंड बाय पीबी सेले. पार्ट 4 में हम कवर करेंगे चौथा और पांचवा कैंटो, चौथा और पांचवा सेक्शन हम कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ. चौथा पार्ट आपके सामने जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी ही. दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए. डिसलाइक क्यों किया आप मुझे कारण कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, और यदि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्दी मैं आपके साथ में अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ. ऐसे करके अपन RPSC फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस में जितनी भी पोइम है उनको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.